अभिनेत्री सांसद कंगना रनौत ने साल 2021 में निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लाने का आह्वान करने वाला अपना बयान वापस लेते हुए बुधवार को कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि वे सिर्फ एक कलाकार नहीं हैं, बल्कि भाजपा की सदस्य भी हैं। यह पहला मौका नहीं है कि जब मंडी से कंगना के बयानों ने पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी की हो। अपने बयानों के कारण विवादों में घिरने वाली कंगना से भारतीय जनता पार्टी जहां अक्सर किनारा करती नजर आती रहती है, वहीं कांग्रेस उन पर हमलावर रहती है। कंगना रनौत के वो बयान जिन्होंने भाजपा को मुसीबत में डाला। इस साल जून में लोकसभा सदस्य चुनी गई रनौत ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर रहा था और विरोध प्रदर्शन स्थल पर लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। ये मामला भी बहुत गर्माया था। रनौत की नवीनतम फिल्म इमरजेंसी फिलहाल सीबीएफसी के पास अटकी हुई है और इस महीने की शुरुआत में प्रस्तावित उसकी रिलीज भी टल गई। फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाने वाली रनौत ने इसका सह लेखन, सह निर्माण और निर्देशन किया है। वह लगातार सीबीएफसी पर निशाना साधती रही है और एक बार इसे अनावश्यक निकाय तक कहा है। नवंबर 2021 में एक समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रनौत की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को साल 2014 में वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई और 1947 में स्वतंत्रता भीख थी। मई 2021 में सोशल मीडिया मंच एक्स ने घोषणा की कि उसने उनके घृणित आचरण और अपमानजनक व्यवहार संबंधी नीतियों के बार बार उल्लंघन के लिए रनौत के खाते को स्थायी रूप से निलंबित भी कर दिया था। साल 2020-21 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रनौत ने कई अपमानजनक टिप्पणियां की। एक बार तो उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों को आतंकवादी भी कहा था जब उन्होंने पंजाब की एक महिला किसान को बिल्किस बानो कहा तो उनकी पंजाबी अभिनेता गायक दिलजीत दोसांझ के साथ तीखा वाक युद्ध देखने को मिला था। महिला किसान 80 वर्ष से ज्यादा की उम्र की हैं और सीए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। नवंबर 2020 में अनुभवी पटकथा लेखन जावेद अख्तर ने रनौत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अभिनेत्री ने जुलाई 2020 में एक समाचार चैनल के साथ अपने साक्षात्कार में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनका नाम घसीटकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। रनौत ने अख्तर के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में जवाबी शिकायत दर्ज कराते हुए उन पर आपराधिक धमकी और लज्जा भंग करने का आरोप लगाया था। अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि साल 2016 में गीतकार के साथ उनके आवास पर मुलाकात के दौरान उन्होंने उन्हें आपराधिक रूप से धमकाया था और मांग की थी कि वह एक सह कलाकार से माफी मांगे। मामला फिलहाल अदालत में चल रहा है। सितंबर 2020 में वह शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के साथ तब विवाद में आ गई थी जब उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी और मुंबई पुलिस की आलोचना की थी। इसके बाद बीएमसी ने बांद्रा के पाली हिल क्षेत्र में स्थित उनके बंगले में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था। अगस्त 2020 में रनौत ने यह दावा करके मुसीबत मोल ली थी कि बॉलीवुड में 99% लोग मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। उनकी टिप्पणी राजपूत की मौत के बाद आई थी। बाद में हिंदी फिल्म उद्योग के कई अभिनेताओं और कई राजनीतिक दलों ने इस बयान की आलोचना की थी।